नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी न्यूज पोर्टल। मैं हूं आपके साथ में चरण सिंह डागोर। अभी आए हैं हमारे बीजेपी के राजस्थान उपाध्यक्ष धर्मा डागोर, और ये भी अपना जायजा लेने के लिए आए और पेशेंटों से मिलने के लिए आए। और इनका कहना है राजेंद्र सिंह राठौड़ जी भी हिंडौन आएंगे। सर, और आपके जो कौन बता रहे थे क्या आएंगे, वो अभी डॉक्टर सतीश पुनिया जी प्रदेश अध्यक्ष जी जयपुर से रवाना हो गए हिंडौन में। हालत हिंडौन की, अभी वो जेके लोन पहुंचे, वहां पर पेशेंट कम थे तो हिंडौन के लिए रवाना हो गए। इस पे सर कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार है लापरवाही प्रशासन, यहाँ का प्रशासन, यहाँ की सरकार। मैं पिछले 3 महीने से कह रहा हूँ कि हिंडौन का दूषित पेयजल एक दिन हिंडौन को खत्म कर देगा। बिल्कुल, मेरे कई आंदोलन हुए इस बात को लेकर के, पर यहाँ की जनता नहीं चेती, यहाँ के प्रशासन ने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया। भर में ये चर्चा, पानी के कारण मर रहे हैं और 2 लोगों की मौत होने के बाद भी शासन और प्रशासन नहीं चेता। अभी कुछ ही मिनटों में वहां से रवाना हो गए प्रदेश अध्यक्ष जी और 11 बजे यहाँ पहुंचेंगे। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ प्रशासन ने जानबूझ करके हिंडौन की जनता को मरने, मैं कह रहा हूँ 200 लोग यहाँ एडमिट है पर 2000 लोग घरों में परेशान है। और केवल जिम्मेदार है तो यहाँ का भ्रष्ट प्रशासन मिली शाम को, हिंडौन बुरी तरह से परेशान है। तो मैं वहां से रवाना हुआ, मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी को बात की, वो जेके लोन गए और हिंडौन का शासन और प्रशासन हिंडौन में दूषित पेयजल आएगा। 2-3 आंदोलन किए, हिंडौन के लोग मर रहे हैं और ये प्रशासन भ्रष्ट भ्रष्ट कूड़ा पड़ा है, बहुत ज्यादा कूड़ा है, गंदगी बहती है बिल्कुल घरों के आगे, कचवाल पड़ा, पीलू वाली मस्जिद, इतनी गंदगी आप जाके देख लेना, सबसे पुरानी मस्जिद कौन सी कॉलोनी बताई आपने, कचवाल पड़ा, पीलू वाली मस्जिद, इनमें से पाइप ले रखे हमने निकाल के, उनमें से हम पानी भरते हैं हेडपंप से, नालियों में चलाते पानी। ये पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता कांग्रेस के, आप क्या पद रहा है सर आपका? मैं तो कई पदों पर रहा हूँ, कांग्रेस कमेटी का मैं जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ।